मोदी जी ने जो इन्हें टिकट दिया बहुत अच्छा किया, बहुत डायलॉग से जीते। शुभकामनाएं। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का ये डिसीजन है, बहुत सुंदर डिसीजन है। 400 पार, अब की बार 400 पार। खुल करके बोला था यही हमारे नेता हैं, इन्हीं को टिकट होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ टिकट, अब हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो क्या हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल के फूल के हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़े होकर काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि नारसन बॉर्डर पे खड़ा होने के साथ साथ मैं समझता हूँ ये लोग दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। 19 साल उनकी आयु थी तब से वो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। संगठन के जितने भी लोग हैं क्या सब लोग एक हो जाएंगे? ये सब लोग एक हैं, यहाँ पे कौन मिसिंग है? हर आदमी तो है यहाँ पे, हर व्यक्ति है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे विजय जुलूस की तैयारी चल रही हो, जबकि स्वागत समारोह है। एक कार्यकर्ता एक पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का एक जगह है, एक मत है। कांग्रेस से तो चुनाव लड़ने के इच्छुक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने 4 साल शासन किया है, कोई दागदार छवि उनकी नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, उनके काम पर और जय श्री राम पर चुनाव लड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर निशंक जी के घोर समर्थक, मैं समर्थक ही नहीं बोला, मैं घोर समर्थक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, घोर समर्थक थे। टिकट हुआ किसी और को तो वहाँ भी जाकर चले गए। कुछ ऐसे भी होते हैं। टिकट तो कमल का फूल है। ये असली समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। किसके नाम पर और किसके काम पर जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीतेंगे। जो हमने काम दिखाया आज, चाहे महिला के सशक्तिकरण का हो, वंचित समाज के विकास का हो, चाहे हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन का हो, चाहे सौभाग्य योजना का हो। आपको इसी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारे पे भी लगाएंगे। आपको पहले से पता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट होने वाला है? टिकट तय करके आए थे आप? अब आपको ये बताना पड़ा किसके नाम पर, भाजपा के नाम पर, भाजपा के काम पर वोट है। हमारा काम पार्टी को जिताने का काम है। अब की बार 400 पार। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहीं गए नहीं थे जो कम बैक हुआ है। पर क्या बड़ा बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर निशंक जी होते तो अलग होता, त्रिवेंद्र जी है तो अलग आएगा? नहीं, रिजल्ट तो दोनों का सेम होता। बोला अंतर होता? नहीं, डिस्टिंक्शन में अंतर होता। डिस्टिंक्शन में अंतर होता। हमारा तो हमेशा कमल का फूल ही रहता है निशान, और कैंडिडेट भी वही रहता है। कि हम लोग बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे इकट्ठे हैं लोग, ये सब लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्वागत में, उनके स्वागत सम्मान में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। जिसका इंतजार हो रहा था और ये चर्चा हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ, टिकट के बाद ये पहली बार हरिद्वार लोकसभा में उनकी एंट्री, नारसन बॉर्डर पर। देखिए इस वक्त की पूरी भीड़, इस वक्त नारसन बॉर्डर पर जिस तरीके से चक्का जाम सा हो जाता है, अरविंद, देखिए इस वक्त जो है गाड़ियों का पूरा रेला, और जिस तरीके से मैं बोलता हूँ साफ तौर पर, जिस तरीके से चक्का जाम होता है, मतलब फिलहाल यहाँ चक्का जाम नहीं है, यहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता और सदस्य हैं जो आ करके इस वक्त यहाँ पर पूरा भीड़ जमाए हुए हैं और इकट्ठा किए हुए जितनी लोग। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुजूम खड़ा है और अपने आने वाले सांसद का स्वागत करने में लगा है। चलिए, सांसद जीत गए, जीत गए, जीत गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत गए। चलिए, ये देख रहे हैं आप पीछे पीछे देख दो तो देखिए ये पूरी तरीके से हमारे पीछे पूरी भीड़ है और अच्छी खासी संख्या में लोग इधर आए हुए हैं। और क्या होता है, चुनाव जो है पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं पर आधारित होती है और बीजेपी संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर माना जाता है कि बहुत ही मजबूत होती है। जय भगवान सैनी जी, क्या क्या कहेंगे आज आप लोग आए हुए हैं, किसका स्वागत करने आ गए आप लोग? वर्तमान जो प्रत्याशी बने भारतीय जनता पार्टी, त्रिवेंद्र रावत जी, स्वागत करने के लिए सब लोग आए हैं कार्यकर्ता। क्या तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आप स्वागत करने आए, क्या लगता है आपको कि अब जो है ये कितनी लंबी यात्रा हो सकती है? नहीं, यात्रा का मतलब स्वागत करेंगे, यहाँ से विधानसभा है तो 4-5 विधानसभा बीच में आएंगे, सभी लोग स्वागत करेंगे। विधानसभा यहाँ भी कार्यकर्ता है, वहाँ भी कार्यकर्ता खड़े हैं बीच में सब रास्ते में। पहली बार आ रहे हैं इसलिए स्वागत कर रहे हैं, टिकट मिलने के पहली बार है बस। स्वागत, ये स्वागत कार्यक्रम है, ये स्वागत कार्यक्रम है और स्वागत, आज त्रिवेंद्र रावत जी का टिकट हुआ है, हमारी हाईकमान ने दिया है तो आज सब उसी के उन्हीं के स्वागत में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा बताइए, जैसे कई बार तो ऐसा होता है ना कि भाई कहीं ना कहीं एक अलग अलग खेमा बन जाता है अलग अलग नेताओं का, यहाँ पर कोई खेमा बना है नहीं बना है? अभी कोई खेमेबाजी नहीं है और हमारी पार्टी में सब
कमल का निशान है और सब एकजुट होकर जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है सब एकजुट होकर त्रिवेंद्र रावत जी को जिताएंगे। लेकिन बाकी लोग बाकी अभी बसपा और कांग्रेस का टिकट बाकी है तो अगर फिर कितनी गुंजाइश बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की या नहीं जीतने की, क्या लगता है? देखिए बसपा और कांग्रेस चिंता बसपा और कांग्रेस वाले करेंगे एक बात। दूसरी बात हमारी तो विजय श्री का लक्ष्य निर्धारित है 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और 5 लाख मतों से जीतकर त्रिवेंद्र रावत जी इस हरिद्वार लोकसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर दे देंगे कि हमने एक सीट आपको जीत कर दे दी। ऐसे चारों सीटों के कार्यकर्ता लगे हैं और सब बहुत अधिक मतों से जीतने वाले हैं निश्चित तौर पर तय है। किस बेस पर जीतेंगे ये बता दीजिए, वो बेस क्या होगा, किस आधार पर जीतेंगे, किस आधार पर जीतने की आप लोग बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार के कार्य, राज्य सरकार के कार्य और उसी के आधार पर जो है कार्यकर्ता लाभार्थियों के बीच में व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से जा रहा है। और हमेशा हमेशा जब भी जीतने की बात होती है तो ये कहा जाता है केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार। आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जो प्रत्याशी है उसने जो काम किया होगा उसके आधार पर, जो आपके पूर्व सांसद थे जो सांसद हैं उनके आधार पर, ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? ऐसा है वो एक प्रतिनिधि है राज्य के और केंद्र के जिसको भी हम चुनकर भेजते हैं और इसीलिए उनके द्वारा ही जो योजनाएं लाई जाती हैं केंद्र की और राज्य की वो धरातल पर इम्प्लीमेंट होती हैं और उसी से जन जन का विकास होता है और अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ है वो पहुंचता है, तभी लोग वोट करते हैं और तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जनता नेता के साथ साथ, अरे पार्टी के साथ साथ नेता भी तो चुनती है, तो नेता भी तो चाहिए कि हाँ भाई ये नेता हमारा था इस वजह से बढ़िया है। जो जो नेतृत्व हमारा तय करता है वही हमारा नेता होता है। हमारा नेता कमल का फूल है और कमल के फूल के साथ ही सब कार्यकर्ता खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलग अलग जगह से लोग आए, सबकी अपने अपने सुख है, जिसका दुख होगा उससे भी हम बात कर लेंगे टिकट के बाद। टिकट जो है बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी, इसी बात को लेकर के कि भाई टिकट किसको होगा, किसको होगा, किसको होगा। हर किसी व्यक्ति के अपने अपने समर्थक थे, या कहिए कि हर समर्थकों के अपने अपने नेता थे। अब टिकट फाइनल हो गया, क्या कहेंगे आप पूरे पूरे वाक्य पे, पूरे मामले पर, पूरे सवालों पर? वैसे सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो पहले दिन से फाइनल है। कारण हमारा जो उम्मीदवार हो कमल का निशान है, तो जब उम्मीदवार कमल का निशान है तो जो भी आ जाएगा उसी का स्वागत में जो हुजूम है साथ में खड़ा है सब, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई समर्थक किसी का होता है और किसी और को टिकट हो जाता है तो दुख तो होता है ना, वो दिल लगा करके तो काम नहीं हो पाता कि हो पाता है। नहीं नहीं, हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है और एक सूत्रीय कार्यक्रम हम सब का है नरेंद्र मोदी जी, हम सब लोग वहाँ देख रहे हैं। कोई दुख की कोई घड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, खुशी का अवसर है। सब लोग उसी तन मन धन से सब साथ में जैसे पहले खड़े थे आज भी ऐसे ही खड़े हैं। अच्छा आप ये बताइए जवाब में, मतलब नरेंद्र मोदी जी क्यों? नरेंद्र मोदी जी हैं विकास पुरुष हैं, दुनिया उनकी तरफ देख रही है तो भारत क्यों ना देखें? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्यों? त्रिवेंद्र जी देखो एक आदमी पहले से जो यहाँ सांसद थे उन्हें हो सका दूसरे दायित्व के लिए उन्होंने चुना हो, तो त्रिवेंद्र राव जी बुरे थोड़ा ही हैं, निशंक जी बुरे थोड़ा ही हैं, कोई भी बुरा नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी आ जाएगा वो अच्छा है, सब उसका स्वागत करेंगे और उसकी झलक आपको देखने को मिल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए किस बात पर, किस बात पर आप वोट मांगेंगे? सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने 4 साल शासन किया है, कोई दागदार छवि उनकी नहीं है, सब ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। अच्छा उन्होंने काम किया है, प्रदेश हित में अच्छे निर्णय लिए हैं, वो उसी के लेके जाएंगे हम मैदान में। लेकिन लेकिन वो 4 साल बाद हटा भी दिया गया था ना, वो कुछ कारण रहे होंगे, वो मैं नहीं जानता, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो मेरे स्तर का मामला नहीं है। क्यों हटाए थे उन्हें, कोई और दायित्व देने ये इसके लिए मैं बुलाया होगा सांसद बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद से हटा। क्या क्या कहेंगे सर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ, क्या कुछ कहेंगे? अपने शीर्ष नेतृत्व का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का और प्रदेश अध्यक्ष अपने महेंद्र भट्ट जी का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अनुभवी नेता आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को
यहाँ हरिद्वार संसद क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और परसों शाम को जब उनकी घोषणा हुई तो हम लोग सब देख रहे थे कि नारसन से लेकर के और मेरी विधानसभा डोईवाला से लेकर के और धर्मपुर विधानसभा जो हमारा संसद क्षेत्र का 14 विधानसभाएं हमारे जो हमारे इस क्षेत्र में लोकसभा में पड़ती हैं, हर क्षेत्र का हर कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, माताएं, बहनें, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए बड़ा जनसैलाब उनके निवास स्थान पर देर रात तक पहुंचता रहा। मैं इसे लेकर के सवाल करता हूं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया लोकप्रिय आपने शब्द किया है ना, तो लोकप्रिय कोई और, लोकप्रिय और अनुभवी वो तो निशंक जी भी थे। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो हमारा 4 साल का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और जो अभी आपने आदरणीय निशंक जी का कहा है, निशंक जी भी हमारे संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, हमारे मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व भी उन पर रहा जब मुख्यमंत्री पद से वो मुक्त हुए थे। उसके बाद संगठन हर कार्यकर्ता की कोई ना कोई भूमिका जिम्मेवारी का रखता है, ये व्यवस्था संगठन की रहती है। यहाँ से सांसद भी रहे हैं, केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर भी रहे हैं, तो हर पार्टी नेतृत्व का हर कार्यकर्ता को कब कहाँ पर कोई काम सौंपना है। अभी हमारा देख रहे निशंक जी अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई संसद क्षेत्रों में उनका प्रवास लगा हुआ था, तो संगठन पार्टी नेतृत्व ये करता है कि हर आदमी की भूमिका है, कोई किसी से कम नहीं है, सबकी योग्य, सब योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ है। आपने भी कहा कि चूंकि टिकट हुआ और वहाँ पर भीड़ लग गई आवास पर, मैं बहुत से लोग को देखता हूँ, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर निशंक जी के घोर समर्थक, मैं समर्थक ही नहीं बोला, मैं घोर समर्थक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, घोर समर्थक थे। टिकट हुआ किसी और को तो वहाँ पर जाकर चले गए, कुछ ऐसे भी होते हैं और इस तरह की चीज़ें भी होती है। और होता है कि भाई टिकट हो गया किसी को तो साथ में खड़ा होना मजबूरी भी होती है कई बार। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, आप समझते हैं, जिस व्यक्ति को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है कार्यकर्ता उसमें खुशी मनाने के लिए व्यक्ति का न होकर के वो संगठन का कार्यकर्ता होता है, वो सब खुशी में शामिल होने के लिए वो जाता है। और जो हमारे ये लोकसभा चुनाव है इस समय का, इस समय आप सब देख लेंगे कि 2014 से पहले के कालखंड को आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर विकास का कार्य ठप हो गया था, पूरे प्रदेश के अंदर भय भू भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता था। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के का जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बाई है, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी विकास का ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और हम 10 साल के जो हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, आज आप देख लीजिए हम जनता के पास विकास के कार्य को लेकर जा रहे हैं। हमने जनता में जो हमने कहा था कि सुशासन देंगे, गुड। मैं आखिरी सवाल कर लेता हूँ सर आपसे कि हरिद्वार लोकसभा आप किस आधार पर जीतेंगे, निशंक जी के पुराने काम दिखा करके जीतेंगे या त्रिवेंद्र जी के पुराने काम दिखा कर जीतेंगे, किस नाम पर किस काम पर जीतेंगे आप? हमने कहा ना, हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे देश और उत्तराखंड के अंदर हर संसदीय क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज वो धरातल पे कार्य दिख रहा है, हम जनता के अंदर विकास के कार्य किए हैं। और जो हमने देखे हमारी उत्तराखंड सरकार का 2 साल का कार्यकाल उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार को हो गया है, और 7 साल हमारी उत्तराखंड की सरकार को हो जाएगा। जो हमने काम दिखाया आज, चाहे महिला के सशक्तिकरण का हो, वंचित समाज के विकास का हो, चाहे हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन का हो, चाहे सौभाग्य योजना का हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना का हो, और चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है जहाँ आज तक गरीबों को छत नहीं मिल पाती थी, आज प्रधानमंत्री जी उनको पक्के घर देने का काम किया है। अभी हमारे विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, जो हमारे हुनरमंद हैं जो हैं उनको वो अपने कारों अपने पैरों में खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, हमारे समूह स्वावलंबी बने, ऐसे ऐतिहासिक जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर के आप देखिए जल जीवन मिशन है, हर घर में पीने का पानी, शुद्ध पानी पहुँचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज ये रोड कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, आज हम दिल्ली जाने में हमको यहाँ से 2 घंटा 2.5 घंटा लग रहा है। अब अभी आप देखिए एयर कनेक्टिविटी का देख लीजिए, आप रेलवे का सुदृढ़ीकरण हुआ है, रेलवे का आप देख लीजिए, चाहे वंदे भारत योजना है, तो ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। हम जनता के बीच में इन विकास कार्यों को लेके जाए हैं कि जो हमने जनता से जो वादा किया था उन वादों को हमने पूरा किया है। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप टिकट वाले, भाई टिकट तो हो गया, आप टिकट को लेकर के भी बताइए क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे भारतीय जनता? आप देख रहे होंगे जैसे ही टिकट डिक्लेयर किया तो भारतीय जनता पार्टी का तो कमल का फूल है। आज कार्यकर्ता सुबह से
माननीय अपने प्रत्याशी की इंतजार कर रहा है। प्रत्याशी जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गया है अपने प्रत्याशी को अपने अपने क्षेत्र से लेते हुए आज देहरादून पहुंच रहे हैं। आप तो किसी और के समर्थन में थे, आप तो टिकट के लिए किसी और के समर्थन में थे? नहीं नहीं, तो पार्टी किसी न किसी समर्थन में थे, पर हमारे यहाँ तो कमल का फूल है, हम तो कमल के, मुझे जिला अध्यक्ष बना, मैं किसी का समर्थक हो ही सकता, तो मैं तो कमल। चूंकि ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जो नई टीम बनी, विधायक जी एक मिनट, जो नई टीम बनी थी वो निशंक जी की टीम थी एक्चुअल में? ये तो सब असल में क्या है, वो यहाँ के सांसद हैं, तो हमारे सांसद हमारे पूजनीय और हमारे बड़े नेता हैं। सांसद जी का उतना ही, उससे भी ज़्यादा स्वागत है। और केंद्र नेतृत्व ने क्या किसके लिए सोच रखा है वो तो केंद्र जाने, पर ठीक है। आज जो है जो स्वागत समारोह, चूँकि कई लोगों से सवाल कर ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार लोकसभा किसके नाम पर और किसके काम पर जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीतेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है कमल का फूल है, और हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और देश को विकसित भारत बनाना। विषय चूँकि लोकसभा का है, अब लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशंक और इसी लोकसभा क्षेत्र के, चूँकि अब वो थे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अब यहाँ पे कैंडिडेट बनाए गए, तो कैंडिडेट के आधार पर, कैंडिडेट के काम पर वोट नहीं मांगेंगे? देखिए, पूरे भारत में शफलिंग चल रही है और शफलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर शफल नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा, शफल नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और मैं कहूँ, ये तो भारत देश है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक छोटी सी क्लास में, स्कूल में भी शफलिंग करते हैं, एक बच्चे जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो सेक्शन चेंज कर दिए जाते हैं उनके, मैं कहता हूँ ये भी शफलिंग है। सभी परिवार के सदस्य हैं और सभी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मतलब जंग लग रहा था इस वजह से ऐसा टिकट कट रहा है, क्या बात कर रहे हैं? ये तो पॉलिसी है ना शफलिंग की, तो शफलिंग होता है। क्लास में जब बच्चे एक क्लास में बैठते रहते हैं तो उनको भी चेंज कर दिया जाता है ताकि वो लोग और लोगों से मिलें और नए आयाम स्थापित करें। तो ये तो एक परिवार है, कार्यकर्ता में जो जिम्मेदारी इसको मिलती है वो जिम्मेदारी निभाता है और बखूबी निभाता है और सफल होता है। अच्छा, लास्ट सवाल, क्या डॉक्टर निशंक जी के काम पर, त्रिवेंद्र जी के काम पर वोट नहीं मांगेंगे? त्रिवेंद्र जी ने, हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रदेश को विकास की ओर लेके गए हैं, और प्रदेश के जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, अब यहाँ पर निर्णय बहुत हैं, और उनकी जो छवि है, ईमानदार छवि, मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट मिलेगा। और हरिद्वार सीट हम लोग 5 लाख वोट से अधिक से विजयी होंगे। अच्छा, आचार संहिता से पहले ये मंत्री पद जो है कैबिनेट फिर भरेगी, मंत्री पद बटेगा या नहीं बटेगा? देखिए, जानकारी प्रदेश स्तर तो होगी, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं अपना, जैसा दिशा निर्देश होगा उतने से काम करेंगे। आप भी रेस में हैं? सभी रेस में हैं, सभी काम कर रहे हैं, और पार्टी को जिम्मेदारी देगी, वो जिम्मेदारी निभाएगा। आज ये जो स्वागत है ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा? नहीं, ये पूरी लोकसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, इसमें शुरुआत हम यहाँ से जो है यहाँ से करेंगे, फिर आगे रुड़की, हरिद्वार, डोईवाला होते हुए देहरादून तक जाके पूरा ये वहाँ पे ख़त्म होगा। तो इस यहाँ ये शक्ति प्रदर्शन का एक नमूना मान लें आज का, या क्या माने हम? नहीं नहीं, ये तो उत्साह है लोगों के बीच में, अपने कैंडिडेट के स्वागत करने का उत्साह है, और शक्ति प्रदर्शन तो है ही। शक्ति प्रदर्शन क्या है, तो जब सब भाजपा के यहाँ पे पूरा जो है पूरा एक लड़के अड़ के साथ खड़े हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पे हैं। संगठन के जितने भी लोग हैं क्या सब लोग एक हो जाएंगे? ये सब लोग एक हैं, यहाँ पे कौन मिसिंग है? हर आदमी तो है यहाँ पे, हर व्यक्ति है, इसमें क्या बात होगी? आपको जो भी दिखेंगे सब लोग हैं, हम लोग सारे एक हैं, और सब जो है यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जोशो खरोश से, और जो है बहुत जो है धाकड़ धामी के जितने भी यहाँ पे आगे जो है उनके अनुग्रही हैं, वो सारे यहाँ पे धाकड़ शो दिखाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल, एक सवाल मैंने भी पूछा कुछ लोगों से, जो वोट मांगेंगे हरिद्वार लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो किस आधार पर मांगेंगे, किसके काम पर मांगेंगे, ये बता दीजिए आप। पूरे देश में जो है किए गए अनेकों कामों के नाम पे जो है वोट मांगा जा रहा है, मोदी जी की जो सारी स्कीम्स हैं उनके ऊपर मांग पूरा उसके ऊपर हमारी पूरी मांग है, और जितने भी लाभार्थी हैं उन सबको हम पिछले निरंतर कई महीनों से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और सबका दिखा भी रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि कितने लोगों को ग्राउंड पर लाभ है, तो उसके इन सब कामों के ऊपर जो है वो वोट मांग रहे हैं। भाई, डॉक्टर निशंक जी के काम पर, त्रिवेंद्र जी के काम पर नहीं मांगेंगे वोट? हम भारतीय जनता पार्टी के काम पर मांगेंगे। मोदी जी ने जो सेंट्रल कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? साहब, कैंडिडेट का काम होता है सेंट्रल की स्कीम्स को ग्राउंड पे लाके उसका काम करना, हर स्तर पे एक व्यक्ति अपना काम जो है उसकी जो है अपॉइंटेड है, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, वो कैंडिडेट नहीं है,
पर वो सेंट्रल की स्कीम्स को नीचे लाने पर धरातल में काम कर रहे हैं, उन सब के जो है सम्मान में वोट मांगेंगे। मैं समझता हूँ बहुत अंदर से आपकी चाह थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हो, टिकट हो गया, स्वागत के लिए भी आप पहुँच गए। जैसा मैंने आपसे कहा था अखिलेश जी कि एक ऐतिहासिक जीत होगी, और यहाँ का जो अपार जनसमूह है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हर जनमानस में उत्साह भी है और पूरी प्रफुल्लित है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे विजय जुलूस की तैयारी चल रही हो, जबकि स्वागत समारोह है। आज हमारा सांसद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार त्रिवेंद्र जी हमारे बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। आप जो इसमें कार्यकर्ता नहीं, यहाँ का जन सैलाब भी है। ये कार्यकर्ता ही है, जन सैलाब तो वो होता जब आम जनता होती, ये तो सभी कार्यकर्ता ही है। ये तो आपको जो दिख रहा है आप अपनी नजर से देख रहे हैं, मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्य हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि हर जन में हर कार्यकर्ता में अपार उत्साह है, और ये एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड जीत यहाँ से जिला हरिद्वार से लेकर त्रिवेंद्र जी हम संसद में जाएंगे, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और जय त्रिवेंद्र। अगर कांग्रेस ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को टिकट दे दिया तो ये जो माना जा रहा है तीन विधानसभाओं का कि तीन विधानसभाओं से हम लीड लेकर के आएंगे, तो वहां से वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर वो लीड कैसे मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? अभी तो वो अपने मुकदमों में बिजी हैं, पहले जमानतें वगैरह ले लें, उसके बाद तय करेंगे कांग्रेस से कौन आएगा कौन नहीं। क्या क्या कहें गुलाटी? ये तो एक इतिहास रचने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही ये सीट रही है, और इस बार भी बहुत ज्यादा मतों के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिता के भेजा जाएगा। मतलब आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया किस आधार पर जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? मोदी है तो मुमकिन है ना, मोदी के नाम पे ही वोट होना है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे। मैं कहता हूँ बार बार कि कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ कि आखिर कभी कैंडिडेट के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? बिल्कुल, मैं बताता हूँ उसका कारण। हर सेना अपने नेतृत्व के साथ चलती है। आज मोदी जी ने जो परिवर्तन का नारा दिया है, उन्होंने कहा कि सत्ता जो है शासन के लिए नहीं, सत्ता समाज सुधार के लिए है, और राजनीतिक दलों को सामाजिक दलों के रूप में सामने आना पड़ेगा। किसी जन नेता के साथ ही सब लोग आगे चलते हैं, और जहां तक इस लोकसभा का रिकॉर्ड है, अगर आप पिछली दोनों बार देखें तो वोट प्रतिशत हर बार बढ़ रहा है और जीतने की लीड भी हर बार बढ़ रही है। पिछली बार अमरीश जी चुनाव लड़े थे, बहुत पुराने नेता थे, फिर भी 2 लाख लगभग मतों से हमने लीड प्राप्त की थी। तो ये लीड बढ़ रही है, और हमारी नहीं हर सीट पर बढ़ रही है। प्रत्याशी के कारण एक जन समुदाय का एक भावना हो सकती है, परंतु केंद्रीय नेतृत्व जब हमारे साथ होता है तो उसके कारण से उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, उसका जो चरित्र होता है, उसका प्रभाव पूरे देश में आता है। अगर सब कुछ अच्छा होता है या जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, जनप्रतिनिधि अच्छा काम करता है, फिर टिकट क्यों कट जाते हैं? फिर टिकट कटता नहीं है, टिकट एक रोटेशनल प्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक आम कार्यकर्ता शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है, और ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हर कार्यकर्ता के लिए है जो मेहनत करता है, जिसका चरित्र बलवान है, जो ईमानदार है, उसके आगे बढ़ने की असीम संभावना है। ऐसा नहीं कि एक मुख्यमंत्री बन गया तो सदा के लिए बन गया। कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर, किस काम पर, किसके नाम पर चुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, उनके काम पर और जय श्री राम पर चुनाव लड़ेगी, और हम ही जीतेंगे, 100% हम ही जीतेंगे। त्रिवेंद्र रावत जी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जीत का नया इतिहास रचेंगे। मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट के नाम पर, कैंडिडेट के काम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? जब सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की है तो हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, और त्रिवेंद्र जी रावत जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश को जो नया मॉडल दिया, विकास की नींव रखी, उसका लाभ हमको मिलेगा। कि पैसा बचा के क्यों रखेंगे? मतलब एक पूंजी आपके पास है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, बाकी छोटी छोटी पूंजी हम मान लेते हैं, तो बाकी पूंजी को खर्च क्यों नहीं करते, क्यों ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों पूरा निधि खत्म नहीं होती है? फिर हम चुनाव में एक भी पूंजी सुरक्षित नहीं रखेंगे, अपनी सारी पूंजी चुनाव में खर्च करेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का चेहरा भी इस्तेमाल करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के कामों का भी इस्तेमाल। पूंजी खत्म ना करने के चक्कर में ही सांसद निधि यूज नहीं हो पाती आप लोग की? हमारे कार्यकर्ताओं की एक एक पूंजी, मैं कह रहा हूँ एक आपके सांसदों की लिस्ट है कि उन्होंने खर्च तक नहीं किया सांसद निधि। उनके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी का जो जनमानस है, जो वोटर है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, एक एक पूंजी खर्च करेगा और ऐतिहासिक जीत प्राप्त करवाएगा। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल, आज देखिए खुशी का माहौल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हमारी देवभूमि हरिद्वार से जो भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल प्रदान किया है, तो सभी हरिद्वारवासी, सभी कार्यकर्तागणों में उत्साह है। और जैसा कि बताया गया है कि
आगाज से ही अंजाम का तय होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जनसाला बुमड़ा है और हरिद्वार तक ये काफिला जाएगा और हरिद्वार तक हर जगह पर स्वागत और भव्य स्वागत और कार्यकर्ताओं का मिलना। आप देखेंगे कि ये जो अविलंब है ये बिल्कुल हरिद्वार तक जाकर छुटेगा और बहुत भारी मार्जन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ से जीत कर लोकसभा जा रहे हैं और देवभूमि का हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत माना जाता है, इसी आधार पर आप ये भीड़ दे सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या है, कैसा है, जिसके आधार पर इतनी भीड़, इतनी संख्या आपको देखने को मिलती है। और फिलहाल अभी पहली बार इन्हें सांसद का टिकट मिलने के बाद पहली बार ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार में प्रवेश कर रहे हैं, अपने लोकसभा में आ रहे हैं। और ये नॉर्थन बॉर्डर है, नॉर्थन बॉर्डर शुरुआत है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। अन्य लोगों से भी बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी आपके सवाल हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं को लेकर के हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्यामवीर सैनी जी, क्या कहेंगे आप, जो है टिकट जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हो गया, आप भी दौड़ में थे, आप भी चाहत में थे और आपने भी भरपूर कोशिश की थी। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, कोशिश करना सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है हम सब उसका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम 5-5 जिताएंगे, इसे और पहले से ज़्यादा जिताएंगे। ये पहले नंबर पर जीतेगी? हाँ। किस कैसे, मतलब किस आधार पर जीत जाएगी? प्रत्यक्ष प्रमाण की, देखो कितना स्वागत में लगे पड़े आज, जबकि पहली बार आ रहे। हमने बहुत सारी ऐसी रैलियाँ देखी हैं जहाँ पर भीड़ वोट में कई बार कन्वर्ट नहीं होती, यहाँ तो खैर आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ही बात की बात है। हाँ, ये असली समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या धामी जी, इन सब के काम से, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर एक लाइन लगी हुई आने वालों की जो है, और उन्हें टाइम देना पड़ता है कि थोड़ा रुक जाओ बाद में आइयो। क्या कहेंगे सर, दो शब्द? देखिएगा, ये जनसैलाब बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, अब की बार 400 पार, ये निश्चित तौर पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता में, आम जनमानस में बहुत उत्साह है और भाजपा की नीतियों पर लोग मोहर लगाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। रवि राणा जी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि डॉक्टर निशंक जी को टिकट होना चाहिए, खुल करके बोला था, यही हमारे नेता हैं, इन्हीं को टिकट होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ टिकट, अब हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। तो क्या हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल के फूल के हैं। आपने बोला था कि भाई देखिए, हर कार्यकर्ता की एक अपनी, हर नेता के साथ में एक लगाव होता है, तो हमारा उनके साथ लगाव था, हमने इस चीज़ को बोला है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम क्या नाम जो प्रत्याशी उतारेंगे उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया और भारी अंतराल के साथ हम यहाँ से जीत कर जा रहे हैं। आपको देखिए क्या होता है, जब आपने बोला कि आपके समर्थक थे, आप उनके समर्थक थे, तो अब भी हैं, तो फिर दिल दुखा होगा ना, दिल तो दुखेगा भाई। नहीं नहीं, सुनिए, क्या पता पार्टी ने उन्हें क्या दायित्व देने जा रही है, पार्टी उन्हें कहाँ लेकर जाना चाह रही है, तो पार्टी का निर्णय। एक बात बताइए, आज उनसे बड़ा कदावार नेता उत्तराखंड के अंदर, बताइए, यूपी कैबिनेट से लेके उत्तराखंड की कैबिनेट तक उन्होंने अपना यहाँ पर क्या नाम जो है उसमें रहे हैं, 2 बार क्या नाम जो है यहाँ पर एमपी का चुनाव लड़ चुके, कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर उसमें रह लिए, अब इसके बाद बचा क्या है? वो भाई समझ लीजिए, डॉक्टर निशंक जी सबसे बड़े नेता आपके लिए हो गए, तो त्रिवेंद्र जी के लिए वोट किस बात पे मांगेंगे आप? त्रिवेंद्र जी के लिए वोट मांगेंगे, निशंक जी भी वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, त्रिवेंद्र जी के लिए, त्रिवेंद्र जी के लिए आप क्या क्या करके वोट मांगेंगे फिर? त्रिवेंद्र जी के लिए वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हुए हैं, माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनके उसके ऊपर वोट मांगेंगे। त्रिवेंद्र जी के नाम पर, उनके काम पर वोट नहीं मांगेंगे, निशंक जी के नाम पर और काम पर वोट नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना, जो काम किए, मैं बता तो ना हूँ, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, जो विकास कार्य हमने किए हैं। बहुत दिनों से जिस बात की चर्चा और कोशिश की जा रही थी, और चर्चा इस बात पे था कि टिकट किसे होगा किसे नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो है आप इधर आइए, तो अब जो है दोनों लोग साथ में खड़े हैं, एक आरोप लगाने वाले, एक आरोप जिसके ऊपर लगा वो भी, और अब जो है टिकट को लेकर के भी जो मामला था वो भी क्लियर हो गया। आप कहते थे कि भाई हो सकता है डॉक्टर निशंक जी को टिकट हो, टिकट फाइनल हो गया, त्रिवेंद्र जी को हो गया। रही आरोप की बात, आप कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारे पे भी लगाएंगे, समझ गए? अगर मैं विरोधी वाली पार्टी का रहूँ तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे, क्यों नहीं लगा? आपकी पार्टी में आ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल।
भाई अब समझ में आया भाजपा की मशीन यही है कि आप कुछ भी करो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके सारी जो दिक्कतें हैं सब धुल जाती हैं। और डॉक्टर हरक सिंह रावत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी यूडी खत्म हो जाएगी। वो ऊपर का मामला जो हमारा मामला हमारी बात करो। चलिए अच्छा एक सुभाष वर्मा जी से एक सवाल आप मैं आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि सवाल यही कि आप जो है भाई छोड़ करके आप बीजेपी ज्वाइन किए आपको पहले से पता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट होने वाला है या टिकट तय करके आए थे आप? बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को नहीं पता होता क्या होगा, करने वालों को भी नहीं पता होता। बाकायदे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बैठती है उसमें तय होता है किसका नाम आता है, तो मैं तो किस खेत की मूली मुझे क्या पता होगा। लोगों ने तो यही कहा कि वो तय करके आए थे उधर से इधर आए और टिकट फाइनल हो गया और आप उनके पुराने समर्थक हैं पुराने साथी हैं। ये तो लोगों का सवाल है ना, आप ये सवाल तो आप उनसे करिए, लोग कह रहे हैं मैं लोगों के बारे में क्या कह सकता हूँ। तो अभी बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अब टिकट हो गया है अब उनको लेकर के क्या कहेंगे और हरिद्वार लोकसभा किस आधार पर किसके नाम पर किसके काम पर किस तरीके से जीतेंगे? देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ है इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। टिकट पहले निसंग जी को रहा, उनके लिए भी काम किया है, उन्हें भी यहाँ से हरिद्वार की जनता ने और लोकसभा सीट हरिद्वार ने जिता के भेजा है और निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बहुत बड़े जीत से जिताकर भेजेंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि किसके काम पर और किसके नाम पर वोट मांगेंगे? अब आपको ये बताना पड़ा किसके नाम पर, भाजपा के नाम पर, भाजपा के काम पर वोट है। ये आप देख रहे हैं इतना जनसमूह उमड़ा है, ये खुशी लोगों के चेहरे पर देख रहे हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी आपने खुद नहीं देखा इसको? नहीं तो मैं कह रहा हूँ देखिए भाजपा के नाम पर भाजपा के काम की बजाय मैं कह रहा हूँ सांसद के काम पर पूर्व मुख्यमंत्री के काम पर इन दोनों लोग के नाम और काम पर वोट मांगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जनता जो है सीधा संवाद करेगी सीधा कनेक्ट हो जाएगी वो अपने नेता से। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि पिछले सांसद का कुछ काम कम रहा है या कुछ ऐसा रहा है? ऐसा कहीं नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग उनके नाम पर उनके काम पर वोट मांगने की बात कीजिए, दिक्कत क्या है? नहीं तो किसने मना किया है? निसंग जी ने जो काम किया है जो उन्होंने विकास कार्य किया उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। त्रिवेंद्र जी ने किया आयुष्मान योजना है, बताइए ऐसी योजना है वो कि अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो मौत का इंतजार करेगा, पैसा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन 5 लाख का उत्तराखंड के हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिल रहा है ना? आयुष्मान है आपके पास? रखना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हों, हमारे पूर्व के सांसद हों, सबके कामों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सबने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा काम किया है, विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लोग भी इस बात को मानते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ वो तो हमने ग्राउंड पर दिखाया भी है, लोगों से बातचीत भी की है और जय हो जनता की सीरीज में हम बताते भी हैं कि कहां पर क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। सवाल आपसे ये है कि पद और टिकट का हटना ना मिलना कितना दुख का कारण होता है? मुझे लगता है इसमें कोई दुख नहीं, संगठन का निर्णय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, हमारे नेतृत्व का निर्णय है, सब उसके साथ ही रहते हैं। मैं टिकट के साथ साथ पद की भी बात कर रहा हूँ। नहीं पद मुझे लगता है कि पद तो किसी का कोई हटा ही नहीं भाई, टिकट नेतृत्व ने जिसको चाहा उसको दे दिया, लगा उनको कि यहाँ ठीक है तो यहाँ वहाँ ठीक तो वहाँ, तो ये निर्णय इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता कार्यकर्ता का। हमारा काम पार्टी को जिताने का काम है और मोदी जी का जो 400 का नारा उसमें हरिद्वार से भी एक कमल शामिल हो हमारा काम ही है। और वो शामिल होने की संभावनाएं कितनी है? मुझे लगता है कि 100% लोगों का मन है। लोग हर नेता हर पार्टी का हर नेता कहता है कि हम 100% जीत रहे हैं। अब ये तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि क्या है धरातल पर। धरातल पर मोदी जी हैं और लोगों के मन में मोदी जी हैं, इसलिए कोई रोकने वाला है नहीं। चलिए देखिए भीड़ एक बार मैं कहूँगा कि ज़रा भीड़ दिखाइए ऊपर की तरफ कितने लोग संख्या क्या है क्योंकि चुनाव पूरा संख्या बल पर ही आधारित होता है। अनिता मंगई जी हमारे साथ हैं और नारसन बॉर्डर पर आप आई हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत करने, क्या कहेंगी आप पूरे मामले को लेकर? देखिए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट जी का। हमारी आज उत्तराखंड की 5 सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं
और निश्चित तौर पर मैं देश की जो आधा आबादी कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक ला के उसको पास करवा के, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार महिलाओं को 30% का आरक्षण नौकरियों में, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को अपना 10% का 36 आरक्षण, भाजपा ने जो कैंडिडेट चूज किया है वो आपके हिसाब से ठीक है नहीं है, क्या कहेंगे? बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी कार्यकर्ता, सभी जनता हरिद्वार लोकसभा की, कि एक ऐसा प्रत्याशी पार्टी ने मैदान में उतारा है जिसने कि 19 साल की आयु से, जब उनकी 19 साल उनकी आयु थी तब से वो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है और लगातार राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही की तरह कार्य कर रहे हैं और आज उनको हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आप देख रहे होंगे कि जैसे उनकी घोषणा हुई उसके बाद किस प्रकार का हुजूम आज पूरे बॉर्डर, नारसन बॉर्डर, रामपुर तिराई पे वहाँ पे हमारे उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए वो आएंगे, लेकिन पूरा हुजूम पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। माना यह जाता है कि ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला, इन तीन विधानसभाओं से बीजेपी का लीड बहुत ज़्यादा रहता है। इस बार ऋषिकेश की अगर हम बात करें, कितने लीड संभावनाएं हैं, कितना लीड ले लेगी? देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में ऋषिकेश विधानसभा का 53,000 वोटों का लीड थी, 2019 के चुनाव में हमारे 68,000 वोटों की लीड थी, इस समय हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है तो निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि 80,000 वोटों की लीड हमारी ऋषिकेश विधानसभा से रहेगी और 400 पार हम पूरे देश में होंगे। अपने उत्तराखंड की 500 सीटें 5-5 लाख मतों से ज़्यादा से विजय बना। अगर डॉक्टर हरक सिंह रावत या हरीश रावत जी चुनाव लड़ लेते हैं तो क्या उतनी लीड ले पाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट? कोई भी, यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी आ जाएंगे, उसके बाद भी हम 5-6 लाख की लीड देंगे। आज पूरा टिकट हो गया, इतने लोग कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और आप लोग लगता है दिल्ली जाकर के लेकर के आएंगे, ऐसा लग रहा है कि आप लोग चलते ही जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, हरिद्वार का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद के रूप में एक बड़ी जीत के रूप में देवभूमि की जनता माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देगी। सब कार्यकर्ता कृत संकल्पित है, उत्साह से लबरेज है। मैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और चूंकि जितनी कश्मकश थी थोड़ा चल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जनसैलाब, कितना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है और एक उत्साह भी है, एक जुनून भी है लोगों में। पहला दिन है इसलिए उत्साह है कि आगे भी उत्साह रहेगा, निरंतर उत्साह रहेगा और जिस दिन चुनाव होगा उत्तराखंड की पाँचों लोकसभा की सीटें बहुत भारी मतों से जीत के आएंगी और हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बहुत अनुशासन है। इनकम्बेंसी तो होती है ना भाई, पार्टी आप जिसकी सत्ता रहती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती होता है तब तक रहती होगी, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और निश्चित रूप से एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एक जगह है, एक मत है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड की पांचों सीट से बहुत भारी मतों से जीत आएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि नारसन बॉर्डर पर खड़ा होने के साथ साथ मैं समझता हूँ ये लोग दिल्ली तक पहुँच जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लेकर के आने। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता जो है चाहती है कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने और भारत का जो परचम है पूरे विश्व में फैलाएं, इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हरिद्वार अपने पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और सब जो है 5 की 5 सीटें जो है भारी बहुमत के साथ जो है उत्तराखंड से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता पूर्ण आशीर्वाद देगी और इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी बहुमत के साथ जिताकर जो है आज जो यहाँ पर हजूम दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का हजूम है, जनता का हजूम है और कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह जो है
इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में इस हरिद्वार जो है लोकसभा सीट से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ऐतिहासिक जीत करकर संसद में भेजेंगे। चुनाव और राजनीति एक शब्द है गुट, गुटबाजी पर आधारित होती है। कहीं ना कहीं ये गुट कांग्रेस में कभी खुलेआम दिख जाती है, बीजेपी में अंदरूनी चलती है पर दिखती नहीं कई बार। कोई गुटबाजी नहीं है। और आप जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के पुराने साथी समर्थक। देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सबका उद्देश्य यही है कि हरिद्वार सीट से जो है कमल का फूल जो है खिलना चाहिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आशीर्वाद देंगे। लेकिन गुट और प्रेम इस चुनाव में कहीं आड़े आता है नहीं आता है? आता तो है ना। देखिए कोई गुट नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी और सब कमल वाले हैं, कोई गुट नहीं है, सब निर्गुट है। उस समय पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो डॉक्टर निशंक जी के समर्थक थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम उनको वोट देंगे, टिकट भारतीय जनता पार्टी उनको दे, उनके में कोई कमी है क्या, दे उन्हें। अब नहीं मिला तो दिल तो उन्होंने बोला भाई दिल तो दुखता ही है, तकलीफ तो होती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस क्षेत्र से सांसद हैं और उन्होंने जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्र नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को प्रत्याशी बनाया है, तो इसके लिए सब कार्यकर्ता सब नेता सब उनके साथ जो है मिलकर जो है इस लोकसभा सीट से जीत हासिल करके और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं एक सवाल लास्ट सवाल की कांग्रेस से डॉक्टर हरक सिंह रावत, हरीश रावत या हो सकता है उमेश कुमार, जिस तरीके से अभी चर्चाओं में आए, इन लोगों में से किसी एक को टिकट होता है या किसको टिकट होता है तो आपको लगता है थोड़ा टक्कर होगा? देखिए कांग्रेस से तो चुनाव लड़ने के इच्छुक ही नहीं है, कांग्रेस जबरदस्ती उनको लड़ा रही है। किसको लगता है किसको, किसी को भी नेता को खड़ा करना चाह रही है वही पीछे हट जा रहा है। तो इससे लगता है कि जो आज पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी में भी 35 दावेदार हैं, भाजपा में भी थे उसमें भी हैं। नहीं हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो भाजपा में भी थे। सर क्या बात कर रहे हैं, दावेदार की पूरी लिस्ट थी, हरिद्वार से अलग, कहीं और से अलग, कहीं और से अलग। देखिए दावेदार तो सभी होते हैं और सबको अपना अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन जब प्रत्याशी तय हो जाता है तो सारे के सारे जितने जो प्रत्याशी जो दावेदार होते हैं वो सब जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान देती है सब उसके साथ लगकर जो है उसको जिताने का प्रयास करते हैं। टक्कर किससे होगा या कौन अच्छी चुनौती दे सकेगा भारतीय जनता पार्टी, एक नाम तो बता दीजिए कि हाँ कांग्रेस का ये व्यक्ति है जिससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। टक्कर नहीं है, एक तरफा पूरे देश भर में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर है, विपक्ष के पास कोई न कार्यकर्ता हैं, न विपक्ष के पास नेता हैं, न चुनाव लड़ने के लोग तैयार हैं। बड़े बड़े नेता जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से अभी भाई उसका भी एंटी इनकम्बेंसी होगा, उसे लेकर के भी वो मुद्दा भी आएगा कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा चुनाव में, तो आपको नहीं लगता कि ये भी बीजेपी को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, वोटर की संख्या घटेगी? कोई नुकसान इस तरीके से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, पूरी देश की जनता जानती है कि 10 सालों में जितना विकास कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, इतना देश के जब से देश आज़ाद हुआ है 65 साल वर्सेस 10 साल अगर लगा लीजिए तो 10 सालों में उतने काम हुए, 10 साल में उतनी सड़कें बनी है। साल में 4 से 4,500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू जो है भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गए और जो ठेका मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला बहुत बड़े बड़े कामों का, वो उन्हीं कंपनियों के पास गए हैं, तो इसे लेकर के आपको नहीं लगता कि ये भी नुकसानदायक होगा बीजेपी के लिए? देखिए ये जो है कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की जो कांग्रेस का मुद्दा तो कुछ है नहीं, इसलिए जनता को भटकाने के लिए ताकि जनता जो है भ्रमित हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इससे कहीं ऐसा नहीं लगता। आज जो हरिद्वार में जो ये जन सैलाब दिख रहा है इसका आने 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 वाले समय में आपको जो है जनता जो है अपना जो है जवाब भी देगी, जनता अपना सिद्धांतिक सहमति दे चुकी है, आज दिख रहा है ये हजूम पूरा हजूम। भ्रम झूठ का फैलता है, सच्चाई का नहीं। देखिए भ्रम जो भ्रम में जीत रहे वो फैलते हैं, बाकी हमें तो जो है कमल के निशान वाले। आज तो क्या कहूँ, आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह है लोगों के बीच में, बहुत भयंकर उत्साह है, कितना अभी हमारे प्रत्याशी भी आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि जन सैलाब सड़कों पर है और यहाँ से रुड़की तक पूरी रोड पर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। जिसका इंतजार हो रहा था और ये चर्चा हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ, टिकट के बाद ये पहली बार हरिद्वार लोकसभा में उनकी एंट्री, नारसन बॉर्डर पर स्वागत और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखिए, कार्यकर्ताओं की संख्या देखिए, इतनी भीड़ की जगह कम पड़ रही है।
लोकसभा के लिए बहुत से दावेदार थे, क्या कहेंगे सर आप? अब टिकट जो है फाइनल हो गया है। त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं। अब त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़े होकर काम करेंगे। अच्छा, कहीं गुटबाजी तो नजर नहीं आएगी? नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। चलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं की भीड़ और पूरा पूरा पूरा, अरे सर क्या कहेंगे आप? आप तो पुराने समर्थक, पुराने साथी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोबारा कमबैक हो गए हैं लोकसभा के क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहीं गए नहीं थे जो कमबैक हुआ है। एक, अरे भाई अब मुख्यमंत्री पद से हटे तो थे, मुख्यमंत्री से तो बदलते रहते, पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है, उनको एक नई जिम्मेदारी दी है पार्टी ने लोकसभा लड़ने के लिए, और मुझे लगता है जो उत्साह यहाँ दिख रहा है तो हम पहले से बहुत ज़्यादा मतों के साथ जीतने वाले हैं और निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड जीत होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं जो अब की बार 400 पार है उसमें नंबर एक पर हरिद्वार है। मानते हैं आप कोई टक्कर पे है? नहीं, कोई टक्कर पे नहीं है। तो अब की बार 400 पार या नहीं? 400 पार है, हरिद्वार अब तक की रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। उमेश जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करे, इस बार तो हवा भी नहीं आएगी त्रिवेंद्र जी को। उमेश जी की बात उन्हीं से करें, मुझे लगता है उनके बारे में बात करना ही बेकार है। चलिए देखिए, मैंने कहा आप लोगों से कि कार्यकर्ताओं की भीड़ शॉल और मालाओं से जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़, हुजूम, लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा, और यही उत्साह है कार्यकर्ताओं का। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो तौर तरीके हैं, कुछ ऐसे ही तौर तरीके होते हैं जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत साबित करती है। अब की बार 400 पार। सबसे अधिक मतों से हरिद्वार की जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व देगी। वो तो किसी को भी होता तो किसी को भी मिलता, वो तो अगर बीजेपी के हिसाब से देख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो। नहीं, हम प्रत्याशी के हिसाब से देख रहे हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बड़ा बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर निशंक जी होते तो अलग होता, त्रिवेंद्र जी हैं तो अलग आएगा। नहीं, रिजल्ट तो दोनों का सेम होता। बोला अंतर होता? नहीं, डिस्टिंक्शन में अंतर होता। अच्छा, रिजल्ट सेम होता? हाँ, थोड़ा सा। देखिए, निशंक जी हमारा प्रतिनिधित्व 10 वर्ष से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यक्ति नाराज होता है, तो वो नाराजगी त्रिवेंद्र जी से नहीं रहेगी, ये आप भी जानते हैं। और रिजल्ट निशंक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और निशंक जी को भी टिकट होता या भाजपा से किसी और को भी होता तो निश्चित तौर पर इस समय 400 पार की जो मोदी जी की दरकार है उसमें हरिद्वार की जनता सहयोग करती। लेकिन निश्चित तौर पर आपको पता है कि डिस्टिंक्शन में अंतर होता, मतों में थोड़ा अंतर है। चलिए, तो मतों में अंतर आ जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट होने से। जी हाँ, मतों में अंतर आ जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट होने से। अब देखिए, चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव चलता रहेगा सारी कहानियां चलती रहेंगी और हम आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। 400 प्लस और 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो क्या मतलब अब आपके लिए टिकट बढ़िया हुआ नहीं हुआ सर, क्या कहेंगे? हमारा तो हमेशा कमल का फूल ही रहता है निशान, और कैंडिडेट भी वही रहता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे समर्पित कार्यकर्ता हैं, और नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 प्लस के साथ में हम जो है नई सांसद का गठन करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कमल लेकर आए हैं और निश्चित ही जो हमारी हरिद्वार लोकसभा है वो उन्हें खिलाकर और उन्हें जिताकर भेजने का कार्य करेंगे। टिकट हो गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, क्या कहोगे फिर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देखेंगे, ये जो यहाँ जनता ये जन समूह उजड़ा हुआ है, ये जो यहाँ पे इकट्ठे हुए लोग, ये सब लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्वागत में, उनके स्वागत सम्मान में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। लोग जो इकट्ठा हैं वो वोट में बदल जाएंगे नहीं बदलेंगे, क्योंकि भीड़ अलग है और वोट अलग है? नहीं, ये सब लोग जो आपको देखा, सभी लोग ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय ये भीड़ नहीं और ये किराए पर लगी भीड़ नहीं है, ये सब लोग अपनी इच्छा से अपने नेता के लिए आए हैं। जब रैली चलेगी तब किराए पर लेकर आएंगे? नहीं, रैली में बात वो नहीं है किराए पर लेकर आनी, मेरा कहने का मतलब ये सब लोग किसने बुलाई नहीं है, ये सब अपने नेता के लिए, अपने जनता, अपने प्यार के लिए आए हैं यहाँ। अभी तक संशय था टिकट किसे होगा, होगा हो गया, अब आप क्या कहोगे? अब क्या है, जीत के लिए कहेंगे, अब तो क्या कहते हैं, जीत जाएंगे लगता है 110%। आधार क्या होगा? मोदी जी हमारे आधार है, इससे बड़ा क्या आधार होगा? सिर्फ मोदी जी, मोदी जी के पीछे सब, हम मोदी जी के पीछे। हमारा मतलब आप डॉक्टर निशंक के नाम पर, त्रिवेंद्र जी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, हम इनके नाम पर ही मानेंगे। डॉक्टर निशंक जी ने जो 10 साल अपना कार्यकाल यहाँ पर पूरा कराया, विकास कार्य कराया,
उनके दम पर हम यहाँ वोट मांगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर भी हम वोट मांगेंगे। बहुत दिनों से जो संशय था, जो एक ब्लर इमेज थी, वो क्लियर हो गई, साफ हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दे दिया गया। यहाँ पर स्वागत समारोह उनका किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे अवसर को लेकर के? देखिए, जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है वो सबको माननीय है, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले पुराने साल टिकट हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्या कहेंगे आप? शुभकामनाएं। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का ये डिसीजन है, बहुत सुंदर डिसीजन है, बहुत उत्तम डिसीजन है। दो बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, उससे ज़्यादा वोटों से जीतकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नरेंद्र मोदी जी की को मजबूत करेंगे। डॉक्टर निशंक जी को होता तो फिर कैसा होता? और अच्छा होता। कौन सा अच्छा होता? ये वाला अच्छे होते कि वो वाला अच्छा? केंद्रीय नेतृत्व ने इसे ज़्यादा अच्छा माना है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी अच्छा होता। और किस आधार पर वोट मांगेंगे आप लोग? डेवलपमेंट के आधार। झबरेड़ा में जीत पाएंगे, मतलब झबरेड़ा विधानसभा 100% जीतेंगे, मंगलोर जीतेंगे, काजी को तीसरे नंबर पर लेके जाएंगे, ये मैं आज कह रहा हूँ आपको। मंगलोर का टिकट ले रहे क्या? मंगलोर का टिकट किसी का भी हो, कमल का फूल है, हम तीसरे नंबर पर पहुँचाएंगे काजी जी को। मंगलोर की बात, आप मंगलोर का टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं? वो तो पार्टी नेतृत्व का काम है, वो पार्टी नेतृत्व करेगी। तो देखिए, इस वक्त जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अभिवादन करते हुए सभी का, और पहली बार जब इन्हें अभी हरिद्वार लोकसभा से इन्हें टिकट मिला, टिकट के बाद जितने भी समर्थक हैं, समर्थकों में उत्साह, साथ में दिनेश सिंह पवार जी, रुड़की के जिला अध्यक्ष जी, प्रदीप बत्रा जी, चैंपियन जी, वो सभी लोग यहां पर एकत्रित हैं इस वक्त, और पूरी एक अच्छी भीड़ और जोरदार एक स्वागत समारोह। देखिए, इस वक्त जो है समर्थकों की पूरी भीड़, और जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि हरिद्वार लोकसभा से टिकट किसे होगा, और यहाँ पर एक समर्थकों में अपने उत्साह, क्या कहोगे? क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे आप? जनता का उल्लास देख के लग रहा है कि इस बार कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, राजेंद्र मेहंदी रहता, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। आप क्या? जिंदाबाद। तो क्या? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई, खुशी हो रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत उम्मीद थी। बहुत अच्छा किया निर्णय जो मोदी जी ने, जो इन्हें टिकट दिया, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत 2.5 लाख से जीत गया। 4 लाख? हाँ, 4 लाख।